मेरा नाम अहमद इकबाल है आई कलेट सी एस एस इन टू थाउजेंड एटीन एंड आई वॉज एलोकेट इन पाकिस्तान ऑर्डर अकाउंट सर्विस करेंटली आई एम वर्किंग एज असटेंट कंट्रोलर हैदराबाद कैंट फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको अपनी जर्नी का थोड़ा बता दूँ कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया uh, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ खान से वहीं से मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की उसके बाद मैंने इंटर किया कैट कॉलेज पिटारो से और उसके बाद मैं गया कराची फास्ट यूनिवर्सिटी कराची वहाँ से मैंने बैचलर्स किया इन कंप्यूटर साइंस तो एक्चुअली जब कंप्यूटर साइंस मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी से किया तो उसी वक्त उस वक्त तक मुझे रियलाइज़ नहीं था कि सी क्या होता है और कैसे करते हैं आप सी ना मुझे सी का फुल फॉर्म पता है मैं आपको एक स्टोरी भी बताता चलूँ इस लिहाज से कि जब मैंने लास्ट सेमेस्टर था मेरा फास्ट यूनिवर्सिटी में तो मैं कन्फ्यूज़ था कि मैं बाहर डिग्री करने जाऊँ या फिर यहाँ पे रह कर जॉब करूँ पाकिस्तान में रह कर तो उस ये चीज़ मैं बार बार अपने एक टीचर डिस्कस करता था एक जगह मैं खड़ा था वहाँ पे मेरे एक दोस्त को एक बंदा समझा रहा था कि यार आपको सीसेस करना चाहिए तो वो कह रहा था कि सीस बहुत हार्ड होता है सिर्फ टू परसेंट लोग पास होते हैं और बहुत हार्ड है तो उसको वो यही समझा रहा था कि वो दो परसेंट जो लोग पास होते हैं वो भी तो इंसान ही होते हैं दो उस वक्त वो तो मोटिवेट नहीं हुआ मगर मैं मोटिवेट हो गया इससे और मैंने सोच लिया कि मैं अब सी एस एस करूँगा मैं सी एस एस की तरफ़ आया तो मुझे चीज कुछ भी नहीं पता था मैं वो इंसान हूँ जिसमें मतलब कि जिसको सी एस एस का क्या ये भी नहीं पता था कि बारह ग्रुप्स होते हैं ये नहीं पता था कि सी एस एस से होता क्या है सिर्फ ये पता था गवर्नमेंट सर्विस है और इसमें आप लोगों की पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए जाते हैं ना मेरी फैमिली में कोई ऐसा था जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो सिवाय मेरी मदर की जो डॉक्टर हैं इसके अलावा कोई भी नहीं था और इवन हमारी पूरे ख़ानदान भी बिज़नेस कम्युनिटी है तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जाता तो जब मैंने सी का सोचा तो मैंने स्टार्ट की तैयारी एक एकेडमी से स्टार्ट की तैयारी वहाँ पे मैं बैठ के पढ़ता था मगर उस वक्त भी जब मेरे दोस्त एक ने मुझसे पूछा कि अहमद क्या कर रहे हो तो मैंने कहा कि मैं सी कर रहा हूँ तो वो भी टॉन्टिंग वे में उसने मुझसे पूछा कि सी एस एस तो कर रहे हो सी एस एस का फुल फॉर्म भी पता है और रियली मैं आपको बताऊँ कि मुझे सी एस एस का फुल फॉर्म भी नहीं पता था मगर मैंने उसको ऐसे ही आगे पीछे करके कुछ बोल दिया और वो भी मान गया क्योंकि उसको भी नहीं पता था तो इससे मेरी ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट होती दो हज़ार सोलह अगस्त से लेके दो हज़ार सोलह दिसम्बर या जैंत तक मैंने आई थिंक सो मैं कहूँ तो मैंने टाइम वेस्ट किया था क्योंकि मुझे नहीं पता था किस डायरेक्शन में पढ़ना है कैसे पढ़ना है मेरे बहुत सारे टीचर्स ने मुझे में मदद की और 2017 फेब फैब से मैंने लाइब्रेरी बैठा और वहाँ से मैंने अपनी सी एस एस की जर्नी स्टार्ट की अब सी एस एस की जर्नी मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट की ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब मैंने 2017 फेब में स्टार्ट की अपनी जर्नी तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई क्योंकि शुरू में आप ये लोग बोलते हैं कि 10 दस घंटे पढ़ना है 12 घंटे पढ़ना है और मुझे इस चीज़ ने बहुत डिस्टर्ब किया कि आप कैसे पढ़ सकते हैं इतना ये तो पॉसिबल ही नहीं है एक इंसान के लिए कि इतना लंबा दौरान ड्यूरेशन आप बैठे रहें और पढ़ते रहें मगर जब मैंने दो हज़ार में ठान लिया कि मैंने सी करना है तो मैं पंद्रह से सोलह घंटे पढ़ता था लगातार मेरी पूरी रूटीन जो थी इस तरीके से थी कि सुबह छः बजे उठना है साढ़े दस बजे तक लाइब्रेरी जाना है लाइब्रेरी भी मैं खुलवाता था जम खाना की और रात को ग्यारह बजे वापस आना है बीच में कोई लंच ब्रेक नहीं है बारह से एक वापस घर पर आके पढ़ना है ग्यारह से बारह सिर्फ डिनर का ब्रेक मतलब कि ऐसी मैंने हेक्टिक रूटीन बनाई हुई थी और मैंने सिर्फ ये किया हुआ था कि अगर मैं एक मिनट भी अपना वेस्ट करता हूँ तो उस एक मिनट में, में मेरा कॉम्पिटिटर उस वक्त क्या कर रहा होगा क्योंकि मेरा कंपटीशन ऑल ओवर पाकिस्तान है और मुझे एक मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करना है मैंने अपने सारे दोस्तों से ताल्लक़ात ख़त्म कर लिए थे किसी कॉल नहीं उठाता था सोशल मीडिया से बिल्कुल ब्लैकआउट था मतलब कि मैं सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करता था तो मैंने सिर्फ टान लिया था कि एक बार जब सी कर लूँगा तो फिर सारी चीज़ें करनी है मगर अभी कुछ भी नहीं करना तो मैंने अपनी स्टार्ट की अब आप सबसे पहले जब आप सी की जर्नी स्टार्ट करते हैं ये तो आपको मैंने एक बता दिया कि मेरी रूटीन क्या थी मगर सी की जर्नी स्टार्ट किस तरीके से करनी है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट उठाएं सबसे आसान सब्जेक्ट मैं आपको कहूंगा कम्पल्सरी में जनरल साइंस एंड एबिलिटी है तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी उठाएं और उसमें आपने सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट उठाना है तो उसके पास पेपर्स देखें पास पेपर्स में आप उनके रिपीटेड टॉपिक्स देखें और सबसे पहले उन रिपीटेड टॉपिक्स को अटैम्प्ट करें उससे क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि आप तो एक तो ये आपको पता लग जाएगा ये टॉपिक आ सकता है और ये अगर टॉपिक सेम टू सेम आपके पेपर में आ गया तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है दूसरी चीज़ आपको डायरेक्शन पता लग जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे डायमेंशन हैं बहुत सारे एंगल्स हैं मगर उससे रिलेटेड आपने अगर क्वेश्चन देखा हुआ है कि उस किस एंगल से उस लास्ट पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता लग जाएगा किस एंगल में मुझे पढ़ना चाहिए तो आपको बहुत आसानी हो जाती है इस चीज़ से तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कोई भी सब्जेक्ट उठाएँ और उसको अटैम्प करना स्टार्ट करें और उसके पास पेपर्स के टॉपिक्स अटैम्प करना स्टार्ट करें तो इससे आपको बेसिकली क्या होगा बहुत फ़ायदा होगा अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि इसके साथ साथ आप अपनी इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश में वो कैब ई डी एम्स ई डी एम्स आप जितना भी कर लें वैसे तो कम है मगर रेगुलरली रेगुलर बेस पे आप दो या तीन करते रहें इस तरीके से आपकी इंप्रूव होती जाएगी वो कैब आप कर सकते हैं कोटेशन याद करना रेफरेंसेस याद करना इस्लामियात के लिए मैंने रखा होता है कि हर फ्राइडे को मैं कोई ना कोई वर्स या इस तरह की हदीत याद कर सकता था तो मेरे जब दिसंबर में जब मेरे एग्जाम्स का रहीबा आया तो मुझे सत्तर अस्सी तकरीबन वर्सेज़ वगैरह हदीस वगैरह याद थी तो ये मैंने लास्ट में अपने आप का बर्डन नहीं डाला मैंने शुरू से ये अपनी एक रूटीन चलाए रखी पंद्रह दिन मैंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को रखे थे और तीस दिन मैंने कंपलसरी सब्जेक्ट को रखे थे तो इस तरीके से अपनी रूटीन चलाई और अगस्त तक मैंने अपने सारे नोट्स कम्प्लीट कर दिए अगस्त तक मैंने अपने सारे नोट्स कम्प्लीट कर दिए और सितंबर से या अगस्त के लास्ट वीक से मैंने एग्ज़ाम पेपर देना स्टार्ट किया मैं एकेडमी जाता था वहाँ पे वीकली पेपर्स होते थे हर संडे को मंडे टू तो सैटरडे मैं उस पेपर्स की तैयारी करता था और संडे को जाके पेपर देता था लोग समझते हैं कि हम 10 बुक पढ़ लेंगे 20 बुक पढ़ लेंगे और इससे हमारा सी क्लियर हो जाएगा ये गलत है आपकी ऐसा नहीं होता सी मेन चीज़ है लिखने का और लोग लिखने से भागते हैं अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप कभी क्लियर नहीं हो सकते तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने नोट्स पहले कंप्लीट करें और इसके बाद आप पेपर्स देना स्टार्ट करें पेपर्स से क्या होगा फ़ॉर एग्जांपल मैंने अगस्त के मिड से स्टार्ट किए जब पेपर देना तो दिसंबर तक मतलब एक मॉक से पहले तक मेरे सारे सब्जेक्ट से दो दो बार वीकली पेपर्स हो चुके थे तो मुझे पता चल चुका था कि मैंने गलती क्या क्या की है तो वो जो गलतियाँ मैंने एक जगह वैसे ही लिख ली थी और मैंने ये अहद कर लिया था कि मैंने यही गलतियाँ वापस अपने मॉक के पेपर में जो दिसंबर में होना उसमें रिपीट नहीं करूँगा और मेरी दो रिविजन पहले ही हो चुकी थी मॉक में मेरी तीसरी रिविज़न हुई उसके बाद पोस्ट मॉक पेपर्स में उसमें मेरी चौथी रिविज़न हुई और सी एस एस के एग्ज़ाम से पहले मेरी पाँचवीं रिविज़न हुई मेरी इतनी रिविजन हो चुकी थी कि हर चीज़ मेरी फिंगर टिप्स पर थी तो मुझे इतनी मेहनत जो लोग ज़्यादातर अपने लास्ट टाइम में या अपने जैन या फैब में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं मेरी जब ये रूटीन 15-16 घंटे शुरू से चल रही है फैब से तो मुझे कोई इतना टाइम देना ही नहीं पड़ा मुझे तो ये 15-16 घंटे भी कम लग रहे थे क्योंकि मैं एग्जॉस्ट ही नहीं हो रहा था मुझे लग रहा था कि अभी भी मैं कम पढ़ रहा हूँ तो मैंने सुबह 6 बजे उठने से पहले उठने की जगह मैं 5 बजे उठना शुरू हो गया तो ये नहीं था कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ बहुत सारे ऐसे हैं जो आठ या दस घंटे भी पढ़ के पास हो जाते हैं छः घंटे पढ़ के भी पास हो जाते हैं बस आपकी सेटिस्फैक्शन है मेरी सेटिस्फैक्शन ये थी कि मैं जितना भी पढ़ूँ मैं अपना सारा टाइम यूटिलाइज करूँ सी एस मैं अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि अगर मैं क्लियर नहीं होता अगर सी में तो मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता है कि यार मैं कुछ पाँच मिनट ज़्यादा पढ़ लेता हर रोज़ मैं एक घंटा ज़्यादा पढ़ लेता मेरा ये था कि जितना मैं दूँ अपना बेस्ट हूँ और अगर नहीं होता है तो ये अल्लाह की मर्जी है बाकी ये मैंने अपने किस्मत पे छोड़ा होता तो ये मेरी पूरी रूटीन थी अल्लाह का शुक्र है अच्छा के क्लियर हो गया मगर मैंने जब 2018 में पेपर दिए जुम्मे को मेरे पेपर ख़त्म होते हैं मुझे आज भी वो याद है कि 2018 में जब जुम्मे को पेपर ख़त्म हुए मंडे से मैं वापस जिमखाना लाइब्रेरी था लोग बोल रहे थे कि अहमद आपको डर है कि आप पास नहीं होगे मैंने कहा डर नहीं है मुझे यकीन है कि मैं पास हो जाऊँगा मगर हमेशा आपको प्रिपेयर करना चाहिए अपने वर्स के लिए तो मैंने अपने सोचा होता कि अगर मैं सीसी में क्लियर नहीं करता तो मैंने अगर ये सब्जेक्ट्स मेरे वीक पॉइंट है तो मैंने अल्टरनेट सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिए मतलब मैंने सेकेंड अटैम्प्ट की तैयारी उसी वक्त से स्टार्ट कर दी क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था मैंने कहा तीन अटैम्प्ट दूंगा और कन्जेटिव तीन अटैम्प दूंगा और टाइम वेस्ट नहीं करना और मैंने साथ साथ किसी को जो बताया नहीं था मगर मैंने थोड़ी बहुत इंटरव्यू की भी स्टार्ट कर दी कि कुछ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए कुछ इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ टॉपिक स्टार्ट कर दिए तो इस तरीके से सेप्टेम्बर में अल्लाह का शुक्र है कि मैं पास भी हो गया और फिर मैंने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट की आ, लोग क्या करते हैं कुछ लोगों से सवाल ये पूछते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से करनी है और सब चीज़ें मगर वो रिटर्न अभी क्लियर किया नहीं होता और इंटरव्यू का पूछ रहा था मैं आपको बता दूं कि अगर पहले आप रिटर्न है तो रिटर्न पर फोकस रखें इंटरव्यू बाद की चीज़ है इंटरव्यू के लिए परेशान नहीं होना है जब एक बार क्लियर हो जाए तो इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाएगी मगर पहले रिटर्न पर फोकस रखें हाँ जब रिटर्न क्लियर हो गया फिर इंटरव्यू पर फोकस रखना है इंटरव्यू पर किस तरीके से आप कर सकते हैं कि आप डेली क्या कहते हैं किसी न किसी अपने घर वालों के साथ इंग्लिश में बोलें अगर आपको इंग्लिश की फ्लुएंसी में मसला है इंग्लिश बोलने में बोलने में मसला आ रहा है तो इस तरीके से आप हर रोज़ की बेसिस प्रैक्टिस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक्स दें मॉक इंटरव्यूज़ दें किसी भी अपने दोस्त के साथ दे दें उनको एक क्वेश्चन बना के दे दें वो आपसे पूछते रहें और इवन आप डॉन न्यूज़ पेपर जब आप पढ़ते थे तो आप दिल में पढ़ते थे जब आप तैयारी के वक्त अब आप, आप तेज़ पढ़ना स्टार्ट करें ताकि आपकी वो जो वर्ड्स हैं वो आपके मुंह पे उस पर चढ़ते जाएं ताकि आप आराम से बोलते जाएं कभी कभार आप किसी लफ्स पर फंस जाते हैं तो वो आप जब उसको लाउडली बोलेंगे तो इस तरीके से आपकी फ्लुएंसी भी अच्छी हो जाएगी तो इस तरीके से आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं फिर आपकी डाटा कलेक्शन पॉइंट्स काइंड ऑफ इसके टॉपिक्स को पकड़ना और उनको डिटेल में कवर करना हर एंगल से कवर करना क्योंकि जब आप रिटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो आप सुपरफिशली कर रहे होते हैं इतना डिटेल नहीं करते मगर जब आप इंटरव्यू करते हैं तो आप एज आ इंटरव्यू पैनलिस्ट बन के सोचें कि क्या क्या वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं तो वो सारे अपने एंगल्स कवर करने हैं इंटरव्यू के बाद आप ये सारे जब हो जाएँ तो उसके बाद हमने जब इंटरव्यू हो गया तो मैंने तो आई थिंक तो मे था, था कि मैंने तो एस पी एस सी का भी एग्ज़ाम दिया और उसमें मैंने उस वक्त तक हमारा सी एस एस का रिज़ल्ट नहीं आया था तो दो हज़ार उन्नीस में मैंने एस पी एस सी का दिया और लेटर ऑन मैं उसमें भी जी एस पी हो गया मई के बाद जून में हमारा रिज़ल्ट आया पाकिस्तान ऑर्डेट अकाउंट सर्विस में हुआ और अक्टूबर में मैंने सिविल सर्विस अकेडमी ज्वाइन की और अक्टूबर के बाद मई के अंदर मैंने पाकिस्तान ऑर्डर अकाउंट्स अकेडमी ज्वाइन की and now i'm here working as assistant controller at Kang.